legends never die when the world is calling you. सो हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है एने और आप देख रहे हैं ओग्रे गेमिंग नामक यूट्यूब चैनल. सो गाइज, आज हम दोबारा से लेके आ गए हैं अपनी एकदम न्यू एंड एक्साइटेड वीडियो. सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम से अपने कासल की जो अपनी वीडियो है वो नहीं बना रहा था, इसलिए क्योंकि मैं अपना कासल बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहा था. तो गाइज, पूरे एक महीने बाद अब हमारा कासल अपडेटेड वर्जन में है. तो गाइज, अभी मैं आपको कासल पूरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि वो बात नहीं आएगी. तो सबसे पहले मैं इस टाइम बना रहा हूँ पीछे एक विलेजर्स का टाउन हॉल, ताकि हमारे जो विलेजर्स पहले साइड में बैठ के मज़े लेते थे वो ना ले सके. उनका पूरा का पूरा पर्सनल घर होगा जिसमें खूब ज़्यादा मज़े से टहल सकते हैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ ये काम भी आज कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाऊँ हमारा कासल क्या चीज़ है. तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको बहुत स्पीड में कम्प्लीट कर लेते हैं. तो हो जा भाई, हो जा. या तुम यार, एक तो ये मैंने लकी ब्लॉक खेल खेल के अपनी हैबिट बिगाड़ ली है, इसलिए क्योंकि अब मुझे ये स्पीड नहीं रही मेरे हाथ में, क्योंकि लकी ब्लॉक और जो ये एड ऑन होते हैं खेल खेल के मेरे हाथ ख़राब होगा. तो अंदर चला जाए, अधिक मार खाएगा. अरे गुस्सा तो नहीं आया? अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा. सो गाइस, यहाँ पर बहुत स्पीड से हम लोग चलो इसको लगा देते हैं, और इसको लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा. और बाकी की जो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हो गई मुझसे गलत, उसको अभी ध्यान नहीं देते, पहले ये मेन काम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि कैसे क्या होना है. तो चलो गाइस, इसमें लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यार अभी तो मेरा हाथ भी सेट नहीं हो रहा है इस चीज़ में, और जब तक होगा तब तक तो पता नहीं आधा घर भी बन चुका होगा. तो चलो जल्दी जल्दी स्पीड लेते हैं और इसको करते हैं कम्प्लीट. तो चलो इसको करते हैं. हो जाए यार, बहुत देर लगाएगा तू, तो ऐसे मर जाऊँगा मैं करते करते, बूढ़ा होकर मर जाऊँगा. तो जा, हो जा, हो जा, हो जा, स्पीड से ब्रो, स्पीड से. तो चलो गाइस, यहाँ पे मैंने काम तो शुरू कर दिया, और मेरा गेम भी थोड़ा सा धीरे हो गया, स्लोली स्लोली चल रहा है. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे डिवाइस में दिक्कत है क्या हो रहा है, ये देख सकते हैं आप. चलो इसको करते हैं पहले कंप्लीट, बाद में देखते हैं आगे क्या करना है. और ऐसे करके मुझे पूरी की पूरी 4x5 की पूरी एक छत बनानी है, और देखते हैं उसके बाद क्या करना है. तो सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, और इसको थोड़ा अच्छा सा लुक देना है मुझे, और ये जो एक दो ब्लॉक गलत लग गए इनको मैं बाद में सही करूँगा. सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने ये पूरा का पूरा बना लिया. गाइस आप देख सकते हैं क्या ही लुक आ रही है, और इसको बनाने मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया भाई लेक, क्योंकि मुझे काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि यार सामान कम पड़ गया और मैं फिर गया हूँ लेने, और फिर आया हूँ फिर सामान कम पड़ गया फिर लेने गया. तो ऐसा कम से कम 5 बार मैंने किया है, और अब जाके गाइस यहाँ पे पूरा काम हुआ है. लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमें एक मंजिल और बनानी है जो कि ऊपर बनेगी इसके, जिसमें हमारे जो विलेज ऐसे हैं वो सोएंगे, इसलिए क्योंकि नीचे तो पूरा की पूरी इनकी वर्कशॉप रहेगी गाइस, और उसके ऊपर रहेंगे ये सोने का इनका इंतजाम. तो सबसे पहले स्टेयर्स बना लेते हैं, क्योंकि हमारे जो विलेजर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा लीजी किस्म के होते हैं, और इनको चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो सबसे पहले स्टेयर्स बनाते हैं, और फिर स्केप देखो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, कि अभी अपना घर सिर्फ बाहर से अच्छा लग रहा है, अंदर से अब भी कबाड़ खाना है. तो आप देख सकते हो अभी कबाड़ खाना हमारा सही हो रहा है धीरे धीरे. ओ भाई ये बहुत ज़्यादा उपयोग है, और भाई मैं इसलिए अपने बोल्डिंग की वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे भाई देखते देखते, इतनी ज़्यादा टाइम लग जाता है कहकर तो कासल बनाने, क्योंकि एक गलती हो जाती है कभी फिर सामान पर कम पड़ जाता है. तो गाइस देख सकते हैं मैं इतना सारा सामान लेके आया हूँ उसको बनाने के लिए, लेकिन ये सामान कुछ भी नहीं है अभी अभी. अब जब मैं यूज़ करूँगा, काम शुरू करूँगा, तो भाई ये पता भी नहीं चलेगा. और देखो भाई, स्टोन में इतने सारे लेके आया था, और स्टोन अब कम पड़ गए, तो अब मैं केबल स्टोन से ही पूरे का पूरा फ्लोर बनाऊँगा, इसलिए क्योंकि भाई गरीबी आ गई हम लोगों पर. तो सामान सबसे पहले पूरा का पूरा एकदम ले लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर इसको पूरा का पूरा बना देंगे. और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए अपना कासल, और भाई सबसे मेन बात है लुक ना ख़राब हो, क्योंकि कासल के पीछे एकदम शाही वर्कशॉप से कह सकते हैं करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ. तो गाइस चलो मैं सबसे पहले यार बना लेता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं. तो चलो गाइस, फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, और मैं आपको सबसे पहले नीचे से जाके लुक दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसको बनाने में, वो लग गई यार. और सोचा हूँ खाना खा लूँ यार, भूख भी लग रही है, लेकिन खाना वाना बाद में खाएंगे, सबसे पहले सीढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि बिना सीढ़ी के तो भाई घर में चढ़ेंगे कैसे छत पे. मैं तो लाइन बना के किसी तरह चढ़ गया था, और भाई मेरी कम से कम 3 पिकैक्स अब तक टूट चुकी हैं, 2 स्टोन की, अब मैंने नई खरीदी आयरन की. तो आयरन की पिकैक्स मुझे लगता है थोड़ी दमदार रहेगी, तो चलो आप सोच ही सकते कितना ज़्यादा तोड़ा ताड़ी करनी पड़ी, क्योंकि मैं बार बार लगाता हूँ और बार बार यही बात हो जाती है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है कुछ नहीं, और ऐसा वो. और एक आयरन ग्लोम तो अंदर ही फंसा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए, क्योंकि हम लोग का एक आयरन ग्लोम अंदर स्पॉन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गेट जो है 2x2 का है, और आयरन ग्लोम होता है 3x2 का, तो इसलिए चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन अच्छा, एक आयरन ग्लोम अंदर ही है,
एक आयरन ग्लूम का हमारा आयरन बच जाएगा, तो अच्छी बात है ये बहुत ज़्यादा। और चलो सबसे पहले हम लोग स्टेयर्स बनाते हैं, उसके बाद आके यहाँ पे थोड़ी बहुत लालटेन लगा देंगे, लेक्टेन लगा देंगे, जिसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी लुक आएगी। अभी तो ये भाई थोड़ा सा भूतिया टाइप का लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद गाइस देखना क्या ही लुक आएगी इस पे, क्या ही लुक आएगी। ऐसा लगेगा कि ये अपना कासल इससे कम आपको कहीं लगने लगे, लेकिन भाई कासल अपना सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। तो गाइस ये देखो, जैसे मैंने ऊपर का तोड़ा, रोशनी आने लगी, क्योंकि मैं जानता रहा ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने पहले ही ऊपर जो है काफ़ी सारी लेक्टेन लगा दी थी। तो ये देख सकते हैं कि नहीं, ये भी तोड़ो, कहीं सर में ना टकराए, कहीं सर्वर फूट गया उनका तो कौन जिम्मेदार होगा गाइस। तो और जो अभी मैंने एक दो ज़्यादा ब्लॉक तोड़ दिए उनको भी मैं सेट कर दूंगा, तो उसकी कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग ग्लास की एक बाउंड्री बनाते हैं, और भाई ग्लास से काम करने में थोड़ा जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए अगर ग्लास की बाउंड्री टूट जाए तो यार हमारा ग्लास वेस्ट हो जाएगा। और एक और तोड़ देता हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज़ ये भी तोड़ के मैं इसको एकदम कह सकते हैं एकदम ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मुझे बाद में ऐसा ना लगे कि काश मैं ये ना करके ये कर लेता तो ज़्यादा अच्छा लगता, इसलिए मैं एकदम अरे यार कहाँ लगे, तो मैं इसलिए गाइज़ फुल एंड फाइनल बनाना चाहता हूँ, एकदम फुल एंड फाइनल। तो गाइज़ ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है, और इतना अगर होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और आप देख सकते हैं जो मैंने नीचे ग्लास लगाया है, एकदम फाइव स्टार होटल वाला लुक आ रहा है। और हमारा ग्राउंड बाहर से गाइज़ मैं सही बता रहा हूँ, इस जगह को प्लेन करने में ही कम से कम मुझे 10 दिन लग गए होंगे, क्योंकि इतनी सारी डस्ट लाना ऑफिस के बाद इतना सारा काम, मैं सही बता रहा हूँ गाइस हालत एकदम पंचर हो गई। शुरू मैंने सोचा जितनी भी यहाँ की वॉल है मैं सब की सब कैबल स्टोन वो स्टोन से बनाऊँगा, लेकिन आखिरी में गाइस हम लोग को बनाना पड़ गया अपना कैबल स्टोन से यहाँ लास्ट की दीवार, क्योंकि हमारे पास इतना स्टोन बचा ही नहीं था। और मैं इतनी देर से इनको कोशिश करूँ अंदर ले जाने की, और कहीं मैं इनको थप्पड़ ना मार दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बेटा, आयरन ग्लू नहीं बचा पाएगा अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो। सो गाइस फाइनली मैं भाग के जाके एक बोट और थोड़ी सी लेड लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं इस आयरन ग्लोइंग को लेके जाता हूँ अंदर, देखता हूँ ये 2x2 में फिट हो सकता है कि नहीं, अगर हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। मैं सारे आयरन ग्लो में अंदर भर दूँगा ताकि हमारे विलेजर्स को कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि अंधेरा अभी थोड़ा सा है और मैंने थोड़ी बहुत लालटेन लगा दी, और तब भी वो बात नहीं आ सकता। सो गाइस चलो कोई नहीं, ऐसी कोई दुख की बात नहीं, इसलिए क्योंकि तोड़ दूँ क्या, नहीं रहने दो। लेकिन चलो एक आई आ रहे हैं ग्लोइंग से, इनको काम चलाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इनको अभी हम लोग नखरे इनके ना देखे वरना अच्छा नहीं होगा। तो चल बेटा तू भाग जा, और मैं सबसे पहले इनको अंदर लेके चलता हूँ। वो भाई कहाँ जा रहा है, वो मेरा घर है, कासल है मेरा, आजाले तुम लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी तुम लोग मेरी घर में घुस रहे हो। अगर मेरी घर में घुस रहे हो तो नया कौशल क्यों बनवा दूँ, मन को घूसो मार दूँ तुझे, साले तेरे चक्कर में इतनी मेहनत करी है मैंने, अब देखो हम परेशान करके रखा है। अंदर बैठ देख माँ, हाँ वेरी गुड। तो चलो गए इनको खींच के, हाँ खुश हो गया, अरे वाह बच्चा। अबे भैया मेरे ब्लास्ट फर्नेस से क्यों अपना काम चला रहा है, तेरे पास मैंने इतने सारे रखवा दिए, वहाँ चला जा भाई। अरे यार कितना खाते हैं ये लोग, खींच भी नहीं पा रहा हूँ गाइज मैं, कितना खाते हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इनको सबसे पहले यहाँ से निकालता हूँ। और यार कभी कभार आप देख सकते हैं चेस्ट भी हमारे लिए एकदम फंसा देती है हम लोगों को बुरी तरह। तो चलो गाइज इनको जल्दी से खींचते हैं और लेके चलते हैं अपने घर की साइड। तो यहाँ पे फिर टूट गई, कितना टूटेगी, मन तो कर रहा है कि मैं इन दोनों को चपेट लगा दूँ और मार मार के ले जाऊँ। और यार तू अच्छा आदमी नहीं है, तू कुछ ढंग का भी नहीं दे रहा, आयरन स्वॉर्ड दे रहा है वो भी एमरल्ड्स के बदले, कौन लेगा तेरे से आयरन स्वॉर्ड एमरल्ड्स के बदले, कौन इतना अमीर हो गया है। ओ भाई धीरे धीरे एकदम लेके जाऊंगा ताकि कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना है। तो चलो गाइस मैं किसी तरह धीरे धीरे रेंगते रेंगते बस पहुँचने वाला हूँ। अगर मैं इनको यहाँ छोड़ दूँ तो उम्मीद है कि ये अंदर तो चले जाएंगे कि अंदर नहीं जा पाएंगे गाइस। अरे भाई देख, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं, अरे अरे कहीं मर ना जाए गाइस, यहाँ से नहीं तोड़ सकते। मैं एकदम बीच में सेंटर में निशान लगा रहा हूँ फिर भी टूट नहीं पा रही, कोई दिक्कत नहीं। तो सोच रहा हूँ मैं आगे से तोड़ूँ, हाँ गाइस यहाँ से तोड़ते, ये एकदम सही जगह मैंने देखी, हाँ यहाँ से मुझे नहीं लगता डैमेज इनको ज़्यादा पड़ेगा। अरे यार एक धोखे से पड़ गया, चलो कोई नहीं। ओ वाओ अपने आप चले गए क्या, मैंने फालतू में इतनी मेहनत की यार, रात होने का वेट कर लेता ही तो अपने आप ही अंदर आ गए। अब ऊपर जैसे यहाँ पे आए वैसे ही अच्छे बच्चों की तरह चलो ऊपर जाओ, नींद आ रही होगी ना। सो मैंने इतने सारे गाइस मैं बताना चाहूँगा आपको
इतना ज़्यादा मैंने मेहनत की है, इतने बेड जमा करे, मैंने जाने कितने विलेज यहाँ के लूट डाले गए। जितने भी विलेज में बैठे, एक विलेज वाला थे डबल विलेज होता है, तो मैंने उसके जितने भी बैठे मैंने सारे के सारे उखाड़ लिए इसी चक्कर में कि भाई तुम लोग सो सको। और तुम लोग कितने बदतमीज़ हो, देखो यहाँ पे ऐसे टहलने से लग रहा है इनकी नानी का घर है। ओ भाई फिर बाहर भागा, भाई तू मारा जाएगा बाहर, बहुत सारे ज़ॉम्बी टहल रहे हैं, अंदर चला जा, अब तू पिटेगा, अब तू पिटेगा, अब तू पिटेगा बेटा। और मुझे लगता है भाई ये लोग थोड़े ढीठ किस्म के विलेजर्स हैं, और ये लोग जो हैं थर्ड आइटम बेचते हैं, इसलिए ज़्यादा ही थोड़ा बाहर की हवा ले रहा है। और देखो यार इसको आयरन ग्लोइंग तू मारता क्यों नहीं यार, तू तो इनका रक्षक है ना, तो इनको कह दे कि अंदर जाएं और सुकून से दूसरे वाले अच्छे वाले आयरन ग्लोइंग के साथ रहें। भाई तू मर जाएगा, चल मेरे साथ आ, चल अच्छा बच्चा, वेरी गुड। एक तो ये नल्ले विलेजर, उसमें बड़ा परेशान हो गया। जो हमारे ये लाइब्रेरियन और ये सब होते हैं अच्छे बच्चे होते हैं, शांति से जाते हैं और एक साइड बैठ जाते हैं। इतने नल्ले विलेजर जो होते हैं ये थोड़ी भसड़ मचाते हैं, पता नहीं क्या इनको मज़ा आता है। जीजा जीवन ने तीजा गए ऐठनबाजी लिया है, तो गए चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इनको खींच के लाते हैं और फिर से अंदर लेके जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नाव है हमारी नैया पार ये अंदर जा पाएगी। चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है अंदर चले जाए, और गए अगर अंदर चली गई तो काफ़ी नो यार। चल एक काम करो तू पैदल भाग यहाँ से, पैदल भाग, पैदल अंदर ही जाना, वरना मैं सही। एक तो इसके कपड़े देखो फटे फटे, ऐसा लग रहा है ड्राउंड आ गया, ड्राउंड आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अंदर चला जा, वेरी गुड। बस थोड़ा एक कदम और, एक कदम और, हाँ बस बस तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। अब देख इनकी तरह बन जा, ठीक, वेरी गुड। अरे भाई तो मुझे देख के खुश हो रहे हैं। हाँ अब एक काम करो, अब जैसे यहाँ पे आए वैसे सब चुपचाप से एकदम ऊपर चले जाओ। चलो चलो निन्नी का टाइम हो गया, निन्नी का टाइम हो गया, इन्नी इन्नी ले लो। गाइज यहाँ पे दो तो बड़े अच्छे किस्म के विलेजर हैं, गाइज देखो कितनी चुपचाप यहाँ पे आके सो गए। लेकिन ये बाकी के मन तो कर रहे कि खुदने मरोड़ दो। लेकिन गाइज चलो कोई नहीं, आयरन आयरन चाचा बैठे हैं, उन्होंने देख लिया तो भाई बहुत ज़्यादा मारेंगे, पटक देंगे हम लोगों को। तो अब तो सो जाओ, बेड आ तो गया। अरे यार इनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, गाइज सो जाओ बेटा। अगर अगर अब तुम नहीं सोए मैं मारना शुरू कर दूंगा तुम सबको एक एक करके, इतना कूटूंगा ना जिसकी कोई हद नहीं है। गाइस मैं ही सो लेता हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही ढीठ किस्म के मुझे लग रहे हैं, ये तो नहीं सोएंगे गाइस। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सो के उठ गए। और चलो चलो अच्छा बाहर आओ, बाहर टहलते हैं, बाहर टहलते, सो ही नहीं तो चलो कोई बात नहीं। जब ओ भाई बाहर फैंटम उड़ रहे हैं, तो गाइस मैंने सुना है फैंटम क्या देते हैं, मुझे मैंने कभी देखा ही नहीं थी इसकी। फैंटम जब मरते हैं तो इनसे इनसे क्या लीप मिलती है, तो आ चलो देखते हैं, फिर वेट कर लेते हैं अभी मरने वाले। ओ भाई क्या गिरा क्या गिरा, कुछ नहीं मिला। गाइस मुझे तो लगा था कि काफ़ी अच्छी लूट देते होंगे, अरे कम ना फ्लैश तो दे देते यार, ट्रेडिंग की कहाँ आ जाता। चलो गाइस कोई नहीं, दिल छोटा नहीं करते हैं, और अब एक काम बचा है वो भी कर लेते हैं। ओ भाई तू यहाँ क्या कर रहा है यार, ये मेरा खुद का ब्लास्ट पड़ना से, अब तू मार खाएगा, देख भाग जाए। तू 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 मारना शुरू कर दूँ कसम से, कर तुम दोनों के मुंह तोड़ दूँगा, इतना मुझे इस टाइम गुस्सा आ रहा है तुम दोनों पे। मेरे बेड पे कब्ज़ा कर लिया, और आयरन तू क्या कर रहा है यार, एक तो इनसे मैं बड़ा परेशान हूँ, ये कभी सोते नहीं, कभी टहलते ही रहते हैं, टहलते ही रहते हैं, तू मार ना खा जाइयो मेरे हाथ से। और आज मैं सोच रहा हूँ जो हमारे मेन डोर की साइड जो ग्लोइंग टहल रहे हैं, मैं उनको भी अपने दूसरे पीछे की साइड ले जाऊँ, क्योंकि पीछे की साइड विलेजर है और उनकी जो रक्षा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले खाना खा दूँ, पता चला किसने प्यार से किसी दे दी तो अभी मेरा काम हो जाएगा। तो चलो यार खाना तो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया है, हेल्थ वेल्थ फुल होने लगी है। और चलो बाहर देखते हैं क्या हाल है। ओ हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, और गाइस एक आयरन ग्लो में आप, ओ अच्छा तो ये बात है। सबसे पहले क्या मेरे पास कुछ है, हाँ थोड़े से एक कैबलिस्ट होने, अच्छा दो तीन है। सबसे पहले भाई ये भर दूँ, अभी तो ऐसी गाइस काम चला लेते हैं जहाँ जहाँ ये क्रीपर ने भसड़ मचाई है। आप गाइस देख सकते हो यहाँ क्रीपर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले काम किए हैं, जिनको अब उसकी जो गलतियाँ हैं अब वो मुझे सही करनी पड़ी। तो चलो कोई बात नहीं, और चलो सबसे अब हम लोग को एक ही काम बचा है कि अब जितने भी ये ग्लोइम्स हैं अब हमें इनको लेके जाना है दूसरी साइड। तो भाई तू बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तू सबसे पहले चलेगा, तू आ जा बेटा, आ जा चल आ जा हीरो। अरे यार इधर तो, हाँ पकड़ गया, आजा चल आजा चलते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं एक साथ साथ इनको लेके जाऊंगा और यही काम करना है बस। ओ भाई ये क्या कर रहा है, अरे 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 गाइस मार रहा है, अरे अरे भाई भाई इसने मारा क्यों यार, मैंने तो इसे कुछ बोला भी नहीं था यार,
गाइस सीधे आया चुप। अब भाई इसने मुझे गुस्सा दिला रहा है यार, देखो बिना फालतू के गाइस मेरे से मैटर ले रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूँ। अभी गुस्सा आ गई तो मैं मार दूंगा। अगर बेटा तू विलेजर्स का रक्षक ना होता ना तो मैं तेरा वो हाल करता तू खुद भी नहीं सोच सकता। लेकिन चलो कोई नहीं गाइस, एक गलती माफ़ करता हूँ। और ये अब भी टहल रहा है, और भाई गुस्सा अब तो गुस्सा नहीं ना तो मेरे से, इधर देख मैं तब देख नहीं गुस्सा है, वेरी गुड। हाँ चलो गाइस अभी शांत हो गया। मुझे लगता है जब मैंने वहाँ पे विलेजर को चाटा मार दिया था घर में तो उसने ये देख लिया था और काफ़ी ज़्यादा उस बात से गुस्सा हो गया था। चलो कोई बात नहीं चाचा, अब शांत है अपना। अब इसको लेके चलते हैं उस साइड और देखते हैं क्या करना। तो गाइस फिर से इसको ले लेते हैं। आ जा, हाँ चला जा, पहले तू ही चला जा, अब तो कोई बात नहीं ना। हाँ कोई गुस्सा, अरे अरे गाइस ये फिर पीछे पड़ गया। अब भाई ये भाई पागल वागल ले क्या यार, कोई बात नहीं कोई चीज़ नहीं, मारा मार लगा यार। भाई देख शांत हो जा, मैं मारना शुरू कर दूंगा, बता रहा हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली सॉल्ट है, इस टाइम डायमंड सॉल्ट है। मैं एक मारूंगा तू चार जगह से कटेगा। आ जा ऊपर आ जा। अब तू भाई मैटर ले रहा है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ तू अभी छोटा है वो गाइस जी। तो मुझे एकदम ताड़े खड़ा है कि मैं नीचे गिरूं और ये मेरे सारे स्कैम करे। तो अब भाई क्या करूं, उसको समझ नहीं आ रहा है। और गाइस मैं तो सोच रहा हूं इसको ही मार दिया जाए, क्योंकि अब अगर इसको अब भी मैं छोड़ दूं तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन चलो गाइस कोई बात नहीं यार, हो सकता है कोई ग्लिच हो गया इसलिए इसने इस बार मुझे मार दिया। अच्छा आ जा आ जा आ जा ऊपर आ जा ऊपर आ जा आ जा। तो गाइस ऊपर आ रहा है, अरे 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 गाइस भाई मार रहा है, अरे यार गया मैं गया मैं मरा मैं मरा मैं मरा। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा भाई, बच गया मैं, वरना सिर्फ दो हेल्थ से बचाऊंगा। अगर मैं धोखे से नीचे भी गिर जाता तो हो सकता है हम लोग मर जाते यार। एक तो हम लोग अपने आर्मर हाथ में लिए टहल रहे हैं, और वो भी आयरन ग्लोइंग जैसे मोटे हाथ मार रहा है वो हमें। अरे भाई कूद गया मैं नीचे, अब आके दिखा गाइस जगह कूद तो नहीं जाएगा, नहीं हाँ बच गए बच गए। चलो गाइस कोई बात नहीं है, तो उसमें क्या सोच रहा हूँ गाइस इसको भी नीचे उतार लेगा। अब दिख अब ना मारी वरना अब मैं मार दूंगा, ठीक। तो चलो गाइस इसके लिए पहले रास्ता बना लेते हैं। ये नीचे आ रहा है, हाँ गाइस आ रहा है आ रहा है। अब हमारे कासल की भाई हम लोग रेड मारे दे रहे हैं बुरी तरह यार, क्या शो ख़राब कर रहे हैं। तो चलो और रास्ता, आ जा आ जा आ जा। अरे वाह एक ही में आ गया, वेरी गुड। कई जगह गिरते तो नहीं है कि पता चला मैं इनके लिए रास्ता बनाऊँ और ये धोखे से गिर जाएँ और ऐसे ही मर जाएँ। आ जा आ जा, वेरी गुड। अब तो भाई मैं अब मुझे लग रही शांत हो गया है गाइस, शांत हो गया ना, हाँ वेरी गुड। अरे अरे हाँ मारेगा, ले मार ले मार। खैर मैं भी सोचा थोड़ा सा मजाक कर लूँ, उसके साथ बदला ले लूँ। अब मारेगा, ले मार ले मार ले मार ले मार। चलो गाइस मैं सोच रहा हूँ अपनी एक स्वॉर्ड भी रख लूँ यार, कहीं पता चले फिर से इसका मूड ख़राब हो जा रही मुझे मारने वाले लगे तो मैं भी गाइस फिर बजा दूँ इसको अच्छी तरह से। अब भी मारेगा, आ जा नीचे आ। मारेगा बुल मारेगा बुल मारेगा बुल मारेगा बुल मार। बस चलो छोड़ देते हैं गाइस, आ जा नीचे आ जा, तुझे आयरन खिलाता हूँ थोड़ा सा, आ जा। अरे गाइस ये तो फिर मारने आ रहा है भाई, देख अरे 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 भाई फिर मार रहा है, भागो 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 भाई। यार ये क्यों पंगे ले रहा है मुझसे बिना फालतू के, गाइस ये पंगे ले रहा है यार। मैं कोई गलती नहीं है यार, क्या दिक्कत है तुझे, बात सुन क्या दिक्कत है तुझे। अरे भाई ये इसको क्या कोई दौरे वौरे पड़ रहे क्या यार, बिना फालतू के मार रहे। अब भाई मेरा भी दिमाग, अरे देखो गाइस बिना किसी बात किसी ने भी इस बार भी मुझे मार दिया। गाइस कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये अपने आप मार रहा है। अब जानते नहीं गाइस जी, अभी इसको अब फिर से मारेगा मुझे लग रहा है। लेकिन अब गाइस मैं नहीं रहम करूँगा, अब भाई थोड़ा इसने मूड ख़राब कर दिया, इसको मारूँगा। और मैं वो ट्रिक नहीं, अरे देखो अरे यार फिर तू मार रहा है भाई, क्या दिक्कत है तुझे यार। मैं तुझे छुआ भी नहीं इस बार, मैं साइड में अपना काम कर रहा हूँ भाई, देख पूरी वीडियो तू कबाड़ कर देगा मेरी। गाइस ये ऐसे नहीं सुधरेगा भाई, एक ही तरीका यार इसको मारना पड़ेगा गाइस हम लोगों को, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि यार ये दुश्मन ही निकाल रहा है पिछले जन्म की, मुझे लगता है इसको मैंने कभी किसी फाइट में यूज़ कर लिया है। जैसे उस दिन हम लोग प्लेजर से लड़े थे तो मुझे लग रहा है ये वापस आ गया और हम लोग से बदला लेना चाहता है। अब तो भाई एक ही रास्ता है, मैं अपने घर के अंदर भागा जा रहा हूँ। अब आके दिखा दम हो तो साले गाइस, अब आके दिखा, अभी तू बच्चा बन पहले मेरे भाई, 2x2 का बन के दिखा मेरी तरफ, फिर आइयो अंदर आ। आजा आजा गाइस, कोई गलती नहीं कोई चीज़ नहीं कोई बात नहीं, बिना फालतू के मारा मार लगा, एक बार सह लिया दो बार सह लिया, अब मारेगा। इधर 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 हट हट निकल हट। तो गाइस चलो आग फाइनली, अब मुझे गुस्सा आ गया था और भाई इसको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे मैं कभी आयरन ग्लोम नहीं मारता हूँ इसलिए, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं ये, हमारी हेल्प करते हैं हमेशा फाइट में। लेकिन गाइस आज मुझे मजबूरन इसे मारना पड़ा, क्योंकि गाइस अगर मैं इसे नहीं मारता तो हो सकता है शायद ये मुझे मार देता। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे और बहुत सारे निठल्ले आयरन ग्लोम टहल रहे हैं तो इनको भी लेता। अब भाई तू तो नहीं मारेगा ना, गाइस एक सेकंड पहले देख लेता हूँ, पता चला आ जा। अरे भाई ये भी भाग रहा है, मुझे लग रहा मारेगा, मुझे लग रहा।
गाइस ये थोड़ा मुझे अच्छा आयरन ग्लोएम लग रहा है और ये काफ़ी नेक आयरन ग्लोएम है। आप देख सकते हैं गाइस कुछ भी नहीं कह रहा है, एकदम शांति से हमारे साथ चल रहा है। अच्छा बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो गाइस ये बहुत अच्छा आयरन ग्लोएम है, इससे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। आजा भाई आजा आजा, चल आजा, तुझे सैर करा दो। तो गाइस हम लोग चल पड़े हैं सैर के लिए और हमारा कासल आप ऊपर से देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा ओपी हो चुका है। और गाइस कासल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। ओ भाई ये डोंकी इतने कहाँ से आ रहे हैं यार, गधो। कासल की लुक बिगाड़ने का शौक है गाइस। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ये हटा दूँ क्योंकि मुझे इसको देख देख के गाइस बाबा गुस्सा आ रहा है। मेरी इतनी महीनों की मेहनत है गाइस, मैं इसमें वुड और कैबल स्टोन लगा रहा हूँ। क्या यार क्या मैं, अरे यार मैं गिर गया। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको हटाता हूँ फिर इसको नीचे उतार लेंगे। कूद तो जाएगा ना यार ये, पता चला कूद के मुझे मारने वारने लगे कि तूने कूदा दिया, ऐसा तो कोई इसके आगे आ गया भाई। मारेगा मार नहीं मारा, वेरी गुड। चलो गाइस सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं और फिर देखते हैं दूसरे काम। तो टूट जा टूट जा तू भी यार। तो मुझे हमेशा अपने साथ हर टूल रखना चाहिए, एक्स वैक्स सब रख के चलना चाहिए। अरे यार कहीं तुझे लग ना जाए, हट जा ना। तो बस हो गया गाइस, ये भी कंप्लीट होने वाला है और ये लास्ट ब्लॉक और ये टूट गया। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ये काम तो कर लिया है। और भाई आयरन ग्लोइंग तो अच्छा बच्चा है, ले मैं सबसे फूल ले लेता हूँ भाई, लेकिन बस मार कुटाई ना करियो मेरे साथ, उनको मार ग्लोइंग को। और गुस्सा है तो विलेजर को झापड़ मार दे, डोंकी को मार, लेकिन गाइस मुझे ना मारियो। तो देख कितना अच्छा बच्चा है और मुझे मारता है। तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, और आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।